और भाई कैसा है तू बहुत दिनों बाद दिखाई दिया मैं तू ठीक हूं तू बता फैता है आज कल ना दिखाई देता ना मिलता है घर में सब कैसे हैं भाभी और बच्चे सब कैसे हैं भाई तेरी भाभी भी अच्छी है और बच्चे भी मुन्नी तू बड़ी हो गई है तीसरी क्लास में पढ़ती है घर आया कर मिलने उनसे भी हाँ भाई जरूर आऊंगा भाभी से मिलने चल आज कहीं चलते पार्टी हो जाए इतने दिनों बाद मिलना हुआ है भाई दिल की बात बोल दी चल चलते हैं आज मुझे सैलरी भी मिली है दारू पार्टी करते हैं चलकर आज इंग्लिश दारू पिएंगे आज तू चलो भाई अगर हमें दारू की दुकान तक जाना है तो यहीं से होकर जाना होगा सब कहते हैं इस जंगल में भूत रहता है हम लोगों को रात में जल्दी आना पड़ेगा घर अबे दारपोक इतना क्यों डरता है तू भूत से आज इंग्लिश दारू पीकर हम भूत के सामने इंग्लिश बोलेंगे तेरा भाई है ना तू चल मेयर साथ में ठीक है भाई चल ले भाई यहाँ तू आ गए लेकिन दारू तू मिलेगी ना हमको तू चिंता क्यों करता मेयर भाई तुझे जितनी दारू पीनी है उतनी मिलेगी ठीक है भाई चल यहाँ बैठते हैं दोनों साथ में बैठ जाते हैं दारू के लिए दोनों वहां पार दारू के साथ, साथ साथ खाना भी खा लेते हैं चल भाई घर चलते हैं आज कुछ ज्यादा चढ़ गई है आज तू तु तुझे भाभी से दांत पढ़ेगी क्यों ज्यादा चढ़ा ली है डरता कौन है तेरी भाभी से चल चलते हैं घर मैं बिल दे देता हूँ फिर चलते हैं मम्मी पापा कहा है अभी तक घर नहीं आए किया? नहीं बीता पता नहीं कहाँ रह गए आज वैसे तू जल्दी आ जाते हैं आज पता नहीं कहाँ रह गए अच्छा एक बार पापा के जो दोस्त है उनसे पूछ लीजिए क्या पता वहाँ गए हो सही कह रहे हो बीटा मैं अभी करती हूँ बात भाभी जी से हेलो जय गुरु भाभी जी जय गुरु देव दीदी कैसे हो भाभी मैं तू ठीक हूँ दीदी आप कैसे हो और इष्टि कैसी है मैं भी ठीक हूँ इष्टि भी अच्छी है भाभी इष्टि के पापा आपके घर पार है क्या वो अभी तक घर नहीं आए हैं नहीं दीदी आज तू मायंक भी घर पार नहीं आए हैं अच्छा अगर भैया आ जाए तो मुझे बता देना ठीक है जैसी मायंद आ जाते हैं मैं आपको बता दूंगी मयंक सी ही इज मंकी अबे भाई मन की नहीं है ये ये टू राजू का बाप है चल अब जल्दी घर भाभी जी इंतज़ार कर रहे होंगे शाम भी होने वाली है भाई हमें इस जंगल से होकर जाना पड़ेगा और मैंने सुना है यहाँ पार एक भूत रहता है तू डरता क्यों है आज तेरा भाई फुल सिर्ट है भूत हो या भूतनी मैं किसी से नहीं डरता आज भूत नहीं उनसे मैं इंग्लिश में बात करूंगा तू चल ठीक है मैं तुम्हारे कहने पर हाई चल रहा हूं ठीक है चलो कुछ नहीं होएगा यार थोड़ी देर रुक जाते हैं मैं थक गया चलते चलते ठीक है रुक जाते हैं लेकिन रात होन से फेले घर फुचना होगा नहीं तो हमारी बिबिया हमको घर में नहीं आने देंगी चल तू तो उस पत्थर पर जाकर बैठ जा। वो आराम कर ले थोड़ी उसके बाद हम चलते हैं घर की तरफ ऐसे एक दोस्त बैठकर आराम करता है कुछ समय बाद उनकी तरफ एक बूढ़ी औरत आती हुई दिखाई दी बेटा हाँ जी जी बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो घने जंगल में यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं है और तुम्हें नहीं पता क्या यहाँ पर एक भूत का राज चलता है हम जानते हैं माँ जी लेकिन हमारे घर जाने के लिए यही एक जंगल है जो हमें पार करके हमारे घर तक पहुँचा देगा हम भी मजबूर हैं इसलिए हमें यहाँ से ही होकर जाना पड़ेगा अच्छा कोई नहीं मगर तुम दिन दिन में यहाँ से चले जाओ ये तुम्हारा दोस्त है क्या दो पत्थर पर बैठा हुआ है हाँ माँ जी ये मेरा दोस्त है हम दोनों साथ में ही आए थे अब हम घर के लिए जा रहे थे तो ये थक गए इसलिए थोड़ा आराम करने बैठ गए चलिए ठीक है माँ जी अब हम चाहते हैं घर के लिए हमें घर जाने के लिए भी लेट हो रहा है घर पर हमारी बीवियां हमारा इंतजार कर रही होंगी और रात होने से पहले ही जंगल भी पार करना है इसलिए अब हम चलते हैं आप भी थोड़ा ध्यान से जाइएगा ठीक है बेटा थोड़ा ध्यान से जाइएगा बस बाय बाय बात करने के बाद बूढ़ी औरत और दोनों दोस्त अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं यार हमको अब इस गुफा के अंदर से जाना होगा और मैंने सुना है कि इस गुफा के अंदर ही एक भूत रहता है जो किसी को बाहर भी नहीं जाने देता मैंने तुझको पहले भी कहा था और अब दोबारा कहता हूँ मैं किसी भूत भूत से नहीं डरता तू मेरे साथ चल कुछ नहीं होगा ये भूत भूत कुछ नहीं होता ये देख भाई इस गुफा में कुछ भी नहीं है सिर्फ तू मैं और चारों तरफ पत्थर चट्टा नहीं है।, कहा है कोई भूत यहाँ पर फालतू में डर रहा था तू हाँ क्या तू सही रहे हो चल अब घर चलते हैं जल्दी तभी उनके पास एक लड़की आती दिखाई दी तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो तुमको नहीं पता किया कि ये गुफा मेरी है हम तू यहाँ से अपने घर जा रहे हैं बस तुम हैमरा किया कर लोगी हम तू यही से जेंगे ये जगह किसी के बाप की नहीं है अच्छा मैं बताती हूँ तुमको मैं क्या कर सकती हूँ रुको नहीं ये तू पागल है ऐप हमको माफ कर दू हम यहाँ से चले जाएंगे नहीं मैं इसको आज नहीं छोड़ूंगी ओम भट तू हमेशा के लिए बन जाए। मेरा दोस्त तू पागल है आप इसको दोबारा से इंसान बना दू मैं आपसे माफी मांगता हूँ आप सही कर दू इसको इसको भूत घमंड था इसलिए इसको ये सजा देनी जरूरी थी अब तुम भी अपने दोस्त को ले जाओ और घर चले जाओ मुझे तुम सिर्फ इंसान लगते हो इसलिए छोड़ रही हूं तुमको मैं इतना कहकर भूतनी गायब हो गई मैंने मना करा था मैट जा यहां से टैब भी नहीं सुनी मेरी बात Uh you -huh.